आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं ना, वो पैसे का ज्ञान मैंने अपने बुरे समय से लिया है। मतलब जिस जब आदमी का बुरा समय आता है ना, स्पेशली हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का जब बुरा समय आता है, तो इस ज्ञान का एहसास हमारे को तभी होता है। ये ज्ञान हमारे को कोई भी सिखाता नहीं है, और कभी गलती से कोई सिखा दे तो हमारे पल्ले नहीं पड़ता। मुझे पता नहीं है कि मैं आपको अगर आज सिखाऊं या शेयर करूं तो आपके पल्ले पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पल्ले पड़ गया सर, तो जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आने से बच जाओगे, बहुत बड़ी मुसीबत, क्योंकि ये मुसीबत आएगी जरूर, हर आदमी की जिंदगी में आता है। अगर जिंदा हो, इंसान हो, तो ये मुसीबत आएगा ही आएगा, हर आदमी की जिंदगी में आता है। और स्पेशली अगर आप मेहनती हो, आपके लक्ष्य बड़े हैं, गोल बड़े हैं, तो निश्चित इस मुसीबत में फंसोगे, एक बार लाइफ में फंसना ही है। इसलिए पहले ही मैं बता देता हूं, देखो पैसा एक ऐसा सब्जेक्ट है ना सर, हमारे को कमाने धमाने के बारे में तो ठीक है लोग सिखा देते हैं, लेकिन पैसे के बारे में, जब पैसे का असली चीज, इसका रक्षा कैसे करना है, सुरक्षा कैसे करना है, ये चीज समझते समझते ना बहुत समय लग जाता है। और हम मिडिल क्लास लोगों के पास होता क्या है सर, समय ही तो है, बहुत पैसा हमारे पास होता नहीं है, समय ही होता है हमारे पास, जिसको हम बेच करके पैसा कमाते हैं। तो 20 साल की उम्र से एक आदमी जब काम धंधा करना शुरू होता है, उसको 35 साल 40 साल तक अगर पैसे की सही समझ होती है कि पैसे को मैनेज कैसे करना है, तो उसने 20 साल गवा दिया सर। और उस चक्कर में सिर्फ समय नहीं गया, पैसा भी गया, बहुत सारा पैसा खराब करता है आदमी। शुरुआत में ही पैसा कमाते ही एक चुल्ल मस्ती है कि अपना, आजकल मैं देख रहा हूं नए नए लड़के जो जॉब में लगते हैं, पैसा से कमाना शुरू करते हैं, फ्लैट लेना है, अपना प्रॉपर्टी लेना है, बहुत घटिया काम है ये भैया। नया नया तुम्हारा इनकम पानी बनाया और तुम सीधा प्रॉपर्टी की तरफ भाग रहे हो, बाद की चीज है ये। खैर ये सब्जेक्ट ही अलग, हम कभी और बात करेंगे। तो ये जो आज हम बात करने वाले हैं ना, जो ज्ञान के बारे में सर, मुझे नहीं लगता पूरे YouTube पर, पूरे सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें कोई करता होगा या किया होगा, मैंने किसी को नहीं सुना है। तो इसलिए बड़ा ध्यान से सुनिएगा, दिल की टाइप, दिल के मन की बात टाइप वाली बात आज करते हैं। देखो होता क्या है सर, पैसा कमाने का पर्पस क्या है, क्या लगता है आपको, किस लिए हम पैसा कमाते हैं, क्या हासिल कर लेते हैं पैसे कमा के? अलग अलग लोगों का अलग अलग तथ्य होगा, लेकिन मेरा एक ही मानना है कि पैसा हमें क्या देता है, सुकून देता है सर। अल्टीमेट चीज जो हमें हासिल होती है ना पैसे की वजह से, वो सुकून हासिल होती है। सुकून कैसे, इच्छाएं बहुत होती है हमारी, हम अपने इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं, जिस तरह की हम जिंदगी जीना चाहते हैं उस तरह की जिंदगी जी पाते हैं, हमारे बच्चे को हम जिस तरह की स्कूलिंग कराना चाहते हैं वो करा पाते हैं, हमारे घर वाले परिवार वालों की जो इच्छाएं होती है वो हम पूरी कर पाते हैं। ये सब चीजें पैसे से होती है, और जब ये सारी चीजें हम कर पाते हैं ना, तो हमारे मन को क्या मिलता है, सुकून मिलता है। मैं कर पा रहा हूं अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, जरूरत किसी को बाहर वाले को पड़े तो हम दान भी कर पाए, डोनेट भी कर पाए, मन को सुकून मिलता है। तो मेरे हिसाब से पैसे से हमारे को क्या मिलता है, सुकून मिलता है। तो सुकून पाने का अगर सबसे बड़ा सोर्स कोई है, तरीका कोई है, तो मैं कहता हूं पैसा। जिसके पास पैसा है वही आदमी सुकून, ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा है वो सुकून पा लेगा, लेकिन सुकून पाने का तरीका बिना पैसे के नहीं हो सकता। हाँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो हिमालय पे पहाड़ों पे रहते हैं, जो तपस्या योगी होगी हैं, उनकी कैटेगरी अलग है। और हम में से कोई कहता है, भाषणबाजी करने आ जाता है, अरे पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ऐसे आदमी को तो चार लप्पड़ भाग मार करके भगा दो, ये किसी काम के आदमी नहीं है। इस आदमी का बैंक अकाउंट पूछ लो, बैंक बैलेंस पूछ लो, खाली मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा इसके अकाउंट में। ये नोकिया 1100 रखने वाले लोग, और अगर आईफोन रख रहे तो पक्का EMI पे लेके घूम रहा है ये आदमी, और कह रहा है कि पैसा कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है। तो ये फालतू तकियानुसी वाली बातों करने वालों पे तो यकीन करने का नहीं, इनको तो अपने ग्रुप से अलग रखो सर। अपना तो ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो पैसे की बात करे, पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे मैनेज करना है, धंधे को कैसे बनाना है, या जिंदगी में बड़ा लक्ष्य कैसे हासिल करना है, ऐसे लोगों की संगत में पकड़ो और ऐसे लोगों की संगत में रहो। तकियानुसी बात करने वाले लोगों को पहले साइड करो। वो सलमान खान कहता ना, सलमान खान नहीं, शाहरुख खान का लाइन है ना, फर्स्ट यू बिकम रिच देन यू बिकम फिलोसफर। फिलोसफर बनना है तो पहले अमीर बनो, अगर अमीर हो तभी फिलोसफी जाड़ो, अगर अमीर नहीं हो तो फिलोसफी मत जाड़ो। क्योंकि ज्यादातर लोग जो आपको फिलोसफी करते हुए मिलेंगे कि पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे पे ज्यादा मत भागो, इनके पास ज्यादा पैसा होता नहीं है इसलिए जाड़ते हैं। तो इतनी बात तो समझ में आती है सर, पैसे का, पैसे की वजह से सुकून है जिंदगी में, और सुकून पाना है तो पैसा कमाना पड़ेगा, भरपूर पैसा कमाना पड़ेगा। थोड़ा मोड़ा पैसा कमाते हो तो थोड़ा मोड़ा सुकून ही होगा, और ज्यादा पैसे कमाओगे तो और ज्यादा सुकून होगा। ठीक है,
अब वो डायलॉगबाजी करने वाले इधर मत आना, मैंने देखा है बहुत पैसे कमाने के बाद सुसाइड करते हैं। अरे होते हैं वो लोग भी, मैं ये कह रहा हूँ कि पैसे होने का मतलब जरूरी नहीं है सुकून हो जाए, लेकिन जिसको सुकून चाहिए उसके लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए। मतलब मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है बहुत सुकून हो जाए, लेकिन बहुत सुकून जिसको चाहिए उसको पैसा कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना सुकून आप पा नहीं सकते, ठीक ना। सॉरी, एक मैंने अपने बुरे समय में सीखा सर, जब मेरा टफ टाइम था, बुरा समय था, तो उस वक्त अपने जितने इन्वेस्टमेंट थे ना, जिधर भी जो भी इन्वेस्टमेंट थे वो सब बिकते चले गए, जो प्रॉपर्टी थी बिक गई, स्टॉक मार्केट का पैसा निकल गया, जिधर भी जो भी इन्वेस्टमेंट होता है सब निकल जाता है जब बुरा समय आता है ना। और उस वक्त आप मेंटल प्रेशर अलग झेल रहे होते हो, आप परिवार के सामने अपना प्रेशर दिखा नहीं सकते, क्योंकि परिवार के सामने जब आप अपना प्रेशर दिखाओगे तो आपका परिवार भी टूट जाता है। एक तो आप अंदर से हिले हुए हो और अपना हिला हुआ वो स्थिति अगर आपने परिवार को बता दिया तो परिवार भी हिल जाएगा फिर। और जब आपके सामने आप अपने परिवार को टूटता हुआ दिखते हो ना, तो आप ज्यादा टूट जाते हो, आप ज्यादा कमजोर हो जाते हो। इसीलिए मैं मानता हूं जब भी बुरा समय आपके साथ आए, उस बुरा समय को अपने परिवार को मत बताओ, उस परिवार को एहसास मत होने दो कि आपका बुरा समय चल रहा है। उनको एंजॉय करने दो ना, उनको एंजॉय करने दो लाइफ, उनको नहीं पता चलना चाहिए। आपके माँ बाप हो, बीवी बच्चे हो, उनको नहीं पता चलना चाहिए कि आप कितनी परेशानी में चल रहे हो। अपना अच्छा समय उनको जरूर बताओ, लेकिन अपना बुरा समय मत बताओ, ये मैं मानता हूं। क्योंकि देखो, माँ बाप अगर हैं तो उन्होंने बहुत कुछ कर दिया हमारे लिए, अब भी जब उनका बुढ़ापा समय आ गया, हमारी जवानी है, अब भी हम अपना टेंशन उनको दे, पहले वो टेंशन लेकर के हमारे को उन्होंने पाल लिया और अभी भी अपना टेंशन उनको हम दे। अच्छा, वाइफ या बाल बच्चे की बात है तो वाइफ पहले ही किसी और का घर छोड़ करके आई है, बाल बच्चा आपके घर में जन्म लिया है, अपना टेंशन आप उनको। तो मेरे हिसाब से अपनी लड़ाई इंसान को खुद लड़नी चाहिए, परिवार के जिम्मे मत डालो। परिवार को पता भी नहीं चलना चाहिए आपके सर पे कितना टेंशन है। इसका एक तरीका है, आप कह सकते हो ऐसा कैसे होगा भैया, इसका एक तरीका है सर, वही तरीका था आज हम बात करने वाले हैं, उसी तरीके की। मैं कहता हूं आपके पास पैसा जब आए तो किधर भी डालो, कहीं भी इन्वेस्ट करो, SIP करो, म्यूचुअल फंड करो, स्टॉक मार्केट करो, प्रॉपर्टी करो, किधर भी दुनिया में किसी किधर भी आप इन्वेस्ट करते हो, उन सब से पहले अपना बैड टाइम फंड तैयार करो। बैड टाइम फंड क्या होता है कि जब आपका बुरा समय आए, आना तय है सर, हर आदमी का बुरा समय आता है, ऐसा आदमी जो मान के बैठा नहीं हम तो बहुत मेहनत करते काम, हमारा बुरा समय कैसे आता, सबसे बड़ा गधा है आदमी, सबसे बड़ा गधा आदमी। अच्छा, आप कोई कह सकता है अरे तो पॉजिटिव थिंकिंग के अगेंस्ट है, पॉजिटिव थिंकिंग हमारे को सिखाती है, हमेशा पॉजिटिव सीखो, आशावादी रहो, तो ऐसा है तो फिर बाइक पे चलने वाले हेलमेट पहनना छोड़ दे फिर, इंश्योरेंस लेने वाले इंश्योरेंस लेना छोड़ दे फिर। इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, इसीलिए ना कि ताकि घर को कुछ हो जाए तो परिवार को पैसे मिल जाए। हेलमेट क्यों पहनते हैं कि ये छोड़ के, ये सोच के थोड़ी पहनते हैं कि हम बाइक पे हेलमेट पहन रहे हैं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना, लेकिन कुछ हो गया तो हेलमेट बचा लेगा। कार चलाने वाले सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं कि कल को कुछ हो गया तो सीट बेल्ट बचा लेगा। ऐसे ही मैं कहता हूं सबसे पहले अपने बुरे समय के लिए एक फंड तैयार करो। आपके महीने का जो खर्चा है ना सर, मान लो आपके महीने का खर्चा 1,00,000 रुपए, मान लिया मैंने 25,000, 20,000, 50,000 कुछ भी हो मान लेना, अगर 1,00,000 रुपए महीने का खर्चा है तो मैं कहता हूं 12 महीने का फंड आपके पास किसी सेपरेट बैंक अकाउंट में होना चाहिए, और वो बैंक अकाउंट को आप कभी भी छुओगे नहीं दूसरे काम के लिए, सिर्फ वो बैड टाइम फंड है, आपके बुरे समय का फंड, वो एकलौता ऐसा बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके बैड टाइम का फंड होना चाहिए, दूसरा कोई फंड नहीं। कल को जब बुरा समय आए, धंधा पानी नहीं चले, नौकरी चाकरी नहीं रहे, कुछ भी हो, इनकम का सोर्स बंद हो गया, तो 1 साल का फंड तो ऐसा पड़ा है, आपको पता है कि भैया 1 साल तक मेरा घर चल जाएगा, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे हासिल क्या होगा जरा समझना, आपका दिमाग टेंशन फ्री रहेगा, क्योंकि जब आदमी का इनकम सोर्स बंद हो जाता है ना, पागल हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, उसका बिहेवियर बिगड़ जाता है, परिवार के साथ बुरा बर्ताव, दोस्तों यारों के साथ बुरा बर्ताव, आदमी संतुलन खो बैठता है ना वो। और जब संतुलन आदमी खोता है तो नए इनकम सोर्स बनाने का रास्ता वो खुद ही बंद कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में आइडियाज नहीं आ रहे थे, अब कैसे काम करे भाई, नौकरी गई दूसरी कैसे ढूंढे, नहीं समझ आ रहा, धंधा पानी डाउन हुआ तो अब धंधा को उठाए कैसे, नहीं समझ आ रहा, संतुलन वो खो बैठता है। ये संतुलन बना रहे इसके लिए 1 साल का फंड आपके पास रिजर्व होना चाहिए,
अगर वो एक साल का फंड आपके पास रिजर्व है तो आप संतुलन नहीं खोएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके सर्वाइवल की आपको टेंशन नहीं है। एक साल तक आपका परिवार, खाना पीना, घर पर बच्चा ऊंचा है तो उसका रेंट पेंट, माँ बाप की अगर दवाई चल रही है तो वो सब अच्छे से चलेगा एक साल तक। और अगर मेहनती आदमी है, कर्मठ आदमी है, तो एक साल बहुत होता है अपने को बाउंस बैक करने के लिए। नौकरी चाकरी गई है तो दूसरी ढूंढने के लिए एक साल बहुत है। धंधा पानी डाउन हुआ है तो उसको उठाने के लिए एक साल बहुत है। कुछ भी बुरा हुआ है तो उसको सही करने में एक साल बहुत है। इसीलिए कहता हूं एक साल का आपका बैड टाइम फंड सबसे पहले बनाओ। आप कहोगे इनकम पहले ही कम है, कहां से बैड टाइम फंड है, इतना कैसे बनाए? जितनी भी इनकम है, बुरा समय बता के नहीं आता ना। देखो सर, पैसे कमाने की बात तो हमारे को स्कूल कॉलेज में सिखा दी जाती है, लेकिन पैसे की रक्षा करना, पैसे को मैनेज करना कहीं भी नहीं सिखाया जाता। ये हमारे को खुद ही सीखना पड़ता है।